कश्मीर में आतंक के एक नए दौर की दस्तक सुनाई दे रही है। आतंकी वारदातें 1990 के उस काले दौर की याद दिला रही हैं। उस वक्त की तरह इस बार भी आतंकियों के निशाने पर हैं कश्मीरी पंडित, दूसरे राज्यों से आने वाले हिंदू और सरकारी कर्मचारी। लेकिन इस बार आतंकियों की तकनीक दूसरी है, क्योंकि ये आतंक का हाइब्रिड दौर है। कश्मीर से हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको हाइब्रिड आतंकियों के हथियार और वारदात के उनके तरीके दिखाएंगे। पिस्टल है कैनिक TP9, इसका कैलिबर 9x19 mm है और ये TP9 पिस्टल है। इसके साथ एक ये साइलेंसर यूज़ किया गया है, तो 15% एट अ वन टाइम टारगेट जो है वो किल हो सकता है। अगर इसमें दोनों में आपको लगा कर देखें तो ये इसमें 12 वाली है। मैडम ये चाइनीज पिस्टल है, स्टार पिस्टल इसको बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसके लोगों बनाया स्टार आएंगे। जैसे इस पिस्टल के साथ जो है ये कैनिक TP9 पिस्टल है, इसके साथ एक ये साइलेंसर यूज़ किया गया है, देख सकते हैं। कश्मीर चल रहा है, इसको पिस्टल दिया जाता है, फिर कभी कभी इसको वीडियो बना देता है टारगेट का और बोलता है कि इसको जाके मारो। ये ऐसे टेररिस्ट है जिसका हमारे लिस्ट में नाम नहीं होता है मिक्सम का, उनके फैमिली मेंबर को पता नहीं होता है। कश्मीर एक बार फिर दहशत के आगोश में समा रहा है। कश्मीर में एक बार फिर गोलियों की गूंज और मातमी चीखें सुनाई दे रही हैं। ये कश्मीर में आतंक के एक नए दौर की आहट है। सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाए आतंकी अब टारगेटेड किलिंग के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। घाटी के जो आतंकी पहले हाथों में AK-47 और हैंड ग्रेनेड थामकर घुसते थे सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए, अब वो हाइब्रिड आतंक का सहारा ले रहे हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन क्लीन से बौखलाए आतंकियों ने AK-47 छोड़ दी है, लेकिन अब उनके हाथों में पिस्टल आ चुकी है। तो ये पिस्टल यूज करने में इनको फायदा होता है कि कहीं मूवमेंट करने में इजी होती है, छिपाना इजी होता है और टारगेट को नजदीक जाके ये अटैक करता है पूरा। जानकारी के मुताबिक साल के पहले 4 महीनों में ही कश्मीर में लगभग 150 पिस्टल बरामद हो चुकी है। अकेले मई महीने में ही सुरक्षा बल ने 15 पिस्टल, 30 मैगजीन, 300 राउंड कारतूस और कई साइलेंसर भी बरामद किए थे। बरामद की गई पिस्टल में ज्यादातर मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा चीन में बनी पिस्टल भी आतंकियों के पास से बरामद की गई है। इन पिस्टल्स को बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए गिराया जाता है, जहाँ से स्थानीय आतंकियों तक पहुँचा दी जाती है। पिस्टल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है आतंकियों द्वारा और क्यों किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उसे आपको समझाने की सरल भाषा में यहाँ पर कोशिश करते हैं। जी आप बताएं कि किस तरह से ये जो पिस्टल्स हैं ये यूज़ की जाती हैं और बहुत आसान है इनका इस्तेमाल। मैडम ये एक पिस्टल है कैनिक TP9, जिसका कैलिबर 9x19 mm है, ठीक है। इसमें जो राउंड है वो आप देख सकते हैं, ये 9x19 mm का है। ये इसमें राउंड जो है इसमें मैगजीन में पड़ता है ये। और ये आप अगर देखें, अगर आप ये पिस्टल, तो ये आप इजीली आप पॉकेट में अपने कैरी कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।